वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं इस टाइम कोसी पुल पे हूँ। दोस्तों अभी चार दिन पहले जो कोसी नदी में पानी आया था, उससे काफ़ी रेलवे पुल का नुकसान हो गया। जो इसका पुल के नीचे जो कॉलम है, उसका जाल नीचे बैठ गया। उसके जाल नीचे बैठने से काफ़ी रेलवे पुल का काफ़ी नुकसान हो गया। और अभी कल से ये पत्थर ही पत्थर डाल रहे हैं। आप पीछे ट्रेन के डिब्बे देख सकते हो, दो और रोज दो दो डिब्बे ला रहे हैं और उसमें पानी में पत्थर डाल रहे हैं और पोकलाइन नीचे लगी हुई है और जाल तैयार हो रहा है उसे बांधने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, ये ऊपर से पत्थर डाले जा रहे हैं, इसमें लेबर वाले ऊपर से पत्थर डाल रहे हैं पानी के अंदर। जो कॉलम आप देख रहे हो बीच में जो है, इसका जाल नीचे की तरफ धस गया। देखो कल से ये पत्थर डाल रहे हैं ताकि जाल बांध दें। पत्थर काफ़ी हो जाएंगे ना, और पोकलाइन चल रही है पीछे, अब दो पोकलाइन चल रही हैं और रास्ता बना रही है, पानी बंद कर रहे हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो, इससे जाल बंधेगा और इधर जाल बन रहा है। ये जाल बंधने की तैयारी हो रही है और ये लेबर वाले बैठे हैं। दोस्तों ये जितने सारे पत्थर है सब उस कॉलम में ही लगेंगे। ये जितने भी आए हैं पत्थर, आप आगे भी देख सकते हो, ये सारे पत्थर उसी कॉलम में लगेंगे जिसमें इस टाइम फिलहाल ये डाल रहे हैं पत्थर। कल भी दो डिब्बे आए थे भर के पत्थरों के, और दूसरी तरफ दो पोकलाइन लगी हुई हैं। देख सकते हो दो पोकलाइन ये रास्ता बना रही है, मतलब पानी बंद करने के लिए, ताकि पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाए और जाल बन जाए। दोस्तों ये पोकलाइन से ये रास्ता बनाया पानी निकलने का, कि यहाँ से पानी निकलेगा और उधर से बंद हो जाएगा। इस तरह भी पोकलाइन से रास्ता बनाया हुआ है, पानी काफी है कोसी नदी में। अब जैसे पोकलाइन भी चल रही है, दो दो पोकलाइन रास्ता बना रही है पानी बंद करने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो ये रास्ता बन रहा है, अब हम दूसरी तरफ आए पोकलाइन के पास में, और ये मिट्टी निकाल निकाल के, रेता निकाल निकाल के वहाँ डाल रहे हैं, दूसरी पोकलाइन रास्ते पे लगा रहे हैं मिट्टी, पानी इस साइड निकाल रहे हैं, पानी इस साइड निकाल नहीं, पानी उस साइड निकलेगा बंद करके तभी देख साइड। देखो ये पोकलाइन चल रही है, पानी किस तरफ छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ या इस तरफ, ये बाद में पता लगेगा। देखिए गाइस, खेतों का नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। ये चारा खड़ा है, सारा गिर गया चारा भी। अभी आगे आपको धान दिखाते हैं। सारे खेत खराब हो गए हैं सारे। अभी आगे आपको धान दिखाते हैं, सारा धान गिर गया है गाइस, दिखाते हैं अभी आपको। देखिए गाइस ये सारा धान गिर गया है, सारा बहुत नुकसान हुआ है इनका। बाकी आप देख सकते हैं चारा भी बहुत ज्यादा मिट्टी लग गई है, इन्हें खराब हो गया सारा। Thank you.
देखिए गाइस बहुत पानी आया था, आपको एक चीज दिखाते हैं। अभी जब यहाँ पानी नहीं था तो ये नंदी महाराज की मूर्ति यहाँ रखी गई थी। पानी आने के बाद भी गाइस ये मूर्ति यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिली, ये हमारे सामने रखी गई थी, देख सकते हैं आप, ये पानी आने से पहले की रखी हुई है यहाँ पर। दोस्तों ये चार लड़के कोसी नदी में नहा रहे हैं, देखो देखो कैसे उल्टी सीधे काम कर रहे हैं। पानी काफी बड़ा, रिस्क लेना नहीं चाहिए। ये देखो ये गिरा, देखो फिर ट्यूब पे बैठ गया है, ट्यूब में हवा भरी हुई है। अभी पुल के दूसरी तरफ से, ये देखो दूसरी तरफ से निकला, फिर गिर गए। अरे 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 अरे, ये उल्टी सीधे काम कर रहे हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।